कोटा के शमशान घाट पर भी अब चोरों और तांत्रिकों की नजर है। चोर मृतकों की अस्थियां चुराने लगे हैं। अस्थियां चोरी होने की ये लगातार दूसरी घटना है, जिससे इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है। कोटा के छावनी इलाके के कोठड़ी भोई मोहल्ले में नंदलाल कश्यप के बेटे का अंतिम संस्कार छावनी मुक्तिधाम में किया गया था, लेकिन जब मृतक राहुल के परिजन वहां पहुंचे तो उन्हें अस्थियां और राख गायब मिली, जिस पर मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने मुक्तिधाम के बाहर हंगामा किया। सूचना मिलने पर गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, ठोस कार्रवाई की बात कही। पुलिस का कहना है कि ये तांत्रिक का काम हो सकता है। मुक्तिधाम की दीवार चारों तरफ से टूटी हुई है, ऐसे में कोई भी वहां घुस जाता है। पुलिस ने कहा है कि जांच की जाएगी, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। आज सुबह थाने पे टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई थी कि छावन शमशान घाट में किसी डेड बॉडी का दाह संस्कार किया था, उसकी अस्थियां चोरी हो गई। यहाँ मौके पर आए तो यह मालूम हुआ कि कुछ नंदलाल भोई है, उसका लड़का था राहुल, जो 27 तारीख को एक्सपायर हुआ था बीमारी से, यह दाह संस्कार किया था इन्होंने 27 तारीख को। तो उसकी आज ये तीय के लिए बैठक के लिए यहाँ आए थे, तो उसकी यहाँ हड्डियाँ और राख उनको गायब मिली यहाँ से। मतलब हम आए यहाँ पर 27 तारीख को डेट हो इसके, हम आए यहाँ पर तो हमारे को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला 3 दिन बाद, तो हमने कार्रवाई करी पुलिस को, पुलिस आ गई यहाँ पर तो इसके टूट फूट हो रही चारों तरफ से, कुल्लाए ना कोई चौकीदार ना कोई फालतू आदमी आते रात में 10-11 11-12 बजे यहाँ पर शमशान में।